morning, sir. Monica? Yes, sir. Very, very good morning to you. Sir, आपने मुझे जॉब के लिए बुलाया था ना? हाँ, याद है, याद है. क्या बात है मोनिका, तुम? सर, माँ बहुत बीमार है. घर की माली हालत काफी खराब है. अगर आपकी मेहरबानी से कोई नौकरी मिल जाए तो काफी काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी. सर, क्या हुआ सर? आप रो क्यों रहे हैं? पूछो मत, पूछो मत. आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हुआ सर? आप क्यों रो रहे हैं? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर मुझे मेरी माँ याद आ गई. मेरी स्वर्गवासी माँ, उस बेचारी की क्या क्या तमन्नाएं थी, क्या क्या सपने थे. अरे ये सिंदूर देख रही हो? मेरी स्वर्गवासी माँ चाहती थी कि अपने हाथ से अपनी होने वाली बहू की मांग में भरती. अरे मगर मेरी तो किस्मत ही फूटी. वो मुझे यतीम करके चली गई. उसके सब सपने, सब तमन्नाएं यहीं रह गई. हाय, उसकी आत्मा आज भी भटक रही है. माँ, तेरी आत्मा को कब जल्दी मिलेगी? सर, चुप हो जाइए सर. मोनिका, एक तुम ही हो जो मेरी माँ की भटकती हुई आत्मा को शांति पहुंचा सकती हो. जानती हो, मेरी माँ चाहती थी कि उसकी होने वाली बहू तुम्हारी तरह सुंदर, सुशील, शर्मीली और घरेलू हो. तुम्हें वो सब गुण है मोनिका, सब गुण है. हे माँ! सर, ये आपने क्या किया? आज से तुम मेरी वाइफ हो. मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा मोनिका. मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मोनिका. मोनिका, मोनिका, तुम मेरी हो मोनिका. आज मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी. ए प्यारे, ये सब क्या है? है? इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था? वाइफ. वाइफ? नहीं वाइफ. कहाँ? वाइफ यहाँ कमरे में? मत पूछ, मत पूछ, मत पूछ. कसम से क्या गरम गरम कचौरी है यार. तेरी बात सुनके तो मुझे भी भूख लग रही है. अरे तो सोचता क्या है, तू भी जाके नाश्ता कर ले, कर ले, कर ले. अच्छे हो. वो तो मैं हूँ. कौन हो तुम? मैं प्यारे का दोस्त कस्तूरी और तुम्हारा नया पति. ये मंगलसूत्र पहन लो और चलो स्वर्ग की सैर को हमारे साथ. छोड़ दो मुझे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारे दोस्त प्यारे की बीवी हूँ. तो क्या हुआ? प्यारे की माँ मेरी माँ, प्यारे की बहन मेरी बहन, और प्यारे की बीवी मेरी बीवी. छोड़ देंगे इतनी जल्दी भी क्या है? वाइफ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो वाइफ? क्या हुआ? वाइफ! हरामजादे, अपने नापाक इरादों के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करते तुझे शर्म नहीं आई? अरे वाइफ, गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं. देखो, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म. करेक्ट, बिल्कुल सही कहा प्यारे मोहन. मोनिका, अरे हमसे क्या शर्माना? हम दोनों पार्टनर्स हैं. जो भी काम करते हैं ना, साथ साथ करने की कोशिश करते हैं. देखो वाइफ, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा और मेरा दोस्त तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना चाहता है. अरे इसमें बुराई क्या है? जाओ अंदर मंगलसूत्र पहन लो, जिंदगी में ऐश करोगी. कभी ने, क्या यही तेरा खानदानी रिवाज है? क्या इसके बाप ने तेरी माँ को मंगलसूत्र पहना था? उसे हम बिस्तर बनाया था? अरे क्या हुआ? आओ सेठ जी आओ, तुम भी आओ। इसके पास सिंदूर है, इसके पास मंगलसूत्र है, तुम क्या डोली लेकर आए हो? क्या बहाना ढूंढा है एक औरत की इज्जत ढूंढने का? नहीं नहीं, मैं इस आदमी नहीं बाबा। नाटक मत करो, तुम सब लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर कल तक तुमने मेरे साथ अदालत में शादी नहीं की तो मैं तुम सब लोगों को अदालत में नंगा कर दूंगी। यार तुम लोग सुधर क्यों नहीं जाते? तुम लोग साले अपने चक्कर में कोई दिन मुझे भी नहीं डूबोगे। भाषण मत दे गोरख, औरतों का शौक मर्दों का होता है। अबे जानना में जाओ, तुम हो तुम्हारा शौक। जैसा उस लड़की ने कहा करके दिखा दिया ना तो सब 12 के भाव में पहुंच जाएंगे। और तू, तेरे को तो गालियां देने के मेरे पास शब्द नहीं। पता नहीं हट यार, हाँ। पता नहीं कहां से आ जाते यार। प्यारे गोरख ठीक ही कहता है, अगर उस लड़की ने हमें पुलिस के सामने नंगा कर दिया तो फिक्र मत कर यार। ये जो शरीफ औरत हमें दुआएं देकर गई है, इसे इंद्रलोक पहुंचाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। राका यार, आज गोरख की वजह से एक हाथाई चिड़िया उड़ गई और उसकी गालियां अलग सुननी पड़ी। अरे यार गोरख शादीशुदा है, साला दुनिया देख चुका है। उसका सब कुछ उसकी घर की चार दीवारी में है, उसकी जिंदगी की हर चीज उसकी वाइफ अपनी सरिता भाभी है। लेकिन हम तो शादीशुदा नहीं है, हमारे तो खेलने कूदने के दिन है। साला हमसे जलता क्यों है, है? एक बात बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये गोरख हमारे से भी ज्यादा ठरकी है और हमारे सामने बनता है। यार क्यों ना इसका अप्रैल फूल बनाए। आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। ओह हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? Very fine, thank you. Oh, you recognize me? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? क्या अपनी वाइफ को नहीं पहचाना? वाइफ? Yes. Oh, darling, तुम भूल गए क्या? कल हम दोनों ने कोर्ट में सिविल मैरिज की थी। मैरिज? और हनीमून भी तो मनाया था ना। हनीमून? क्या बात कर रही हो? नहीं बाबा, क्या बात कर रही हूँ। मैं इज्जतदार शरीफ आदमी, बच्चे का बाप बनने वाला भाई। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अरे नहीं, सच बोलो यार। डार्लिंग तुम झूठ बोलते हो। देखो यार, या तो तुम हो या तुमको कोई मेरी शक्ल का आदमी मिला होगा, वो तुम्हें टोपी बना के चला गया होगा। नहीं नहीं डार्लिंग, नहीं नहीं, मैं हिंदुस्तानी औरत हूँ ना। कौन हिंदुस्तानी औरत? ये हिंदुस्तानी औरत है? नहीं नहीं, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन अपने पिछले हस्बैंड को, अपने फर्स्ट हस्बैंड को कभी नहीं भूल सकती। अरे कौन तुम्हारे हस्बैंड? नहीं नहीं, वो तुम ही हो। अरे मेरा बचाओ, अरे पुलिस, अरे कौन आया? सरिता आ गई। कौन सरिता? मेरी बीवी। I don't care. But I care. अरे 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 देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे तुम फायदा मिलोगी इसमें। मेरे सुन 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 लो सुन लो, तुम चलो, मैं तुमको दूसरा हस्बैंड दिला देता हूँ। तुम चलो तो सही यार। सरी ये दासी का राम राम स्वीकार करो मेरे सरकार। कौन सरकार? सरकार दिल्ली में, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं। चलो जाए चलो। मैं जाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए आई हूँ मेरे राजा। अरे कौन तेरा राजा है? छोड़ना कर। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें कमजोर हो गई, मेरी जवानी पिघल गई मेरे राजा। बिगड़ रहा हूँ यार अपनी बीवी से। बीवी? कौन बीवी? मैं तुम्हारी बीवी। आज मेरी इतनी सारी बीवियाँ कहाँ से आ रही यार? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मर गया, क्या कर रही यार? ये मेरा पति है, मेरे हस्बैंड है। नहीं ये मेरा पति, मेरे हस्बैंड है। मैं फट जाऊंगा, गाला देकर क्या यार? अरे मैं किसी का पति नहीं हूँ यार। अरे छोड़ो मेरे को, अरे बचाओ। अरे 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 ये क्या कर रही हो मेरे पति के साथ? एक धोखेबाज पति का बंटवारा हो रहा है। देखो ना, इन्होंने हम दोनों से शादी की, हम दोनों को उल्लू बनाया है। ये लोग झूठ बोलती, मैं इनको पहचानता तक नहीं। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। इन लोगों के साथ साथ तुमने मुझे भी धोखा दिया, बेईमानी की है मेरे साथ। अरे यार तू नहीं, कहानी शुरू मत करो यार। मैं कसम से कहता हूँ, मैं इनको पहचानता तक नहीं। मेरे को बचाओ, इन्होंने मेरी हालत खराब कर दी, मेरा हाथ दुखने लगे। मेरा क्या होगा? मियाँ आपकी तारीफ, आप कौन है? बहन जी। बहन जी? हाय अल्लाह, बहन जी नहीं, मैं आपकी बेगम हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी बहन। क्या मेरे को पकड़ो, मुझे चक्कर आ रही है। चक्कर चला के चक्कर की बात मत करो मियाँ, हैं? भूल गए आज से 2 साल पहले तुमने हमारी फूल सी बेटी से निकाह किया था। अरे क्या अनाप शनाप बक रहे हो, झूठ बोलता है ये आदमी। मैं तुम्हारी बेटी को जानता तक नहीं। क्या हाय अल्लाह, भूल गए वो रातें, वो मुलाकातें, वो बातें। तुमने मुझे चांसेदारों को वादा दिलाकर मुझे अपने बच्चों की अम्मी बनाने का वादा किया था, अपने अनारकली को भूल गए। तुम्हारे बुरके में आग लगे, तुम्हारी दाढ़ी में कीड़े पड़े, किसी का घर बर्बाद करता तुमको शर्म नहीं आती? मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। होश की बात करो मियाँ, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है। तुम्हारी शक्ल पहचानी हुई लग रही है। क्या देखूं? अच्छा जहन्नम में जा तुम्हारी शक्ल। तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही, मैं नहीं। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो मियाँ। याद रखना हम शहनशाह अकबर के खानदान से हैं। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं थामा तो मैं तुम्हें कब्रिस्तान तक नहीं छोड़ूंगी। ये तो प्यारे अनारकली। हाँ 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 अब बोलो मियाँ क्या फैसला किया है? वही फैसला जो आप कहें ससुर जी। हाँ। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। हाँ। मैंने इन दोनों के साथ साथ आपकी बेटी के साथ भी निकाह किया था। हाँ। मगर मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ। मुझे यहाँ बताते हुए शर्म आती है। हाँ। आप उन अंदर चल के डिस्कस करें। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आओ बेटी आओ आओ। चलो बेटी, नहीं नहीं बेगम आप भी चलिए, आप भी चलिए। ये आप हम पति हैं बनस्पति नहीं। अरे क्या हो कर रही हो? इधर देखो। अबे देखो क्या चीज लाया तुम्हारे लिए। पहचाना इनको? उसे मारा। अबे हमने गौरव को उल्लू बनाने की कोशिश की ना, मामला उल्टा हो देखे, सब उल्टा हो गया। चल पटे हुए इधर। भाभी भाभी दरअसल ये वाइफ भाड़े पे हम लोग लाए थे। मेरी शराफत की बात बोल। ये तो गौरव तो बहुत शरीफ आदमी है भाभी। तुम लोग बोलो। हाँ ये दोनों हमें भाड़े पे लाए थे। मार तो खिलवा दी, पैसे से दिला दो।